हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और जो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें काफी चर्चाओं का बाजार है, वो गर्म है। बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब हमें पता होते हैं, कुछ के लिए हमें भी इधर उधर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अभी जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि कितने वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज को कैसे समझा जाए, हमारे बच्चे का नाम किस स्कूल में आने के चांसेस हैं, इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में हैं। तो पहले जो सैनिक स्कूल का जो रिजर्वेशन पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको जो सीट्स का एक रिजर्वेशन पैटर्न है उसको समझाता हूँ। वो ये इस प्रकार से है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट जो होम स्टेट है, एचएस लिखा हुआ है, 67% जो वैकेंसीज हैं होम स्टेट के लिए रिजर्व है। इस बारे में हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ताजा वीडियो देखना तो वही है। तो 100 अगर सीटें हैं तो उसमें से 67 सीटें हैं होम स्टेट के लिए रिजर्व हैं। यदि आप हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के मूल निवासी हैं, तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी दो सैनिक स्कूल है, लेकिन हर आप एक ही चॉइस सकते हैं, वो भी बड़ा देखने वाली बात। तो जो आप जिस सैनिक स्कूल का, मान लीजिए कुंजपुरा आपने भर दिया, कुंजपुरा में मान लीजिए 100 सीटें थी, तो 67% सीटें उन लोगों के लिए हैं जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, और 33% सीटें जो हैं वो अदर स्टेट में जाते हैं। इसको लिस्ट ए बोलते हैं और इसको लिस्ट बी बोलते हैं, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। लेकिन 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 जब ये हमने 67% सीटें बता दी, इसमें से 15% सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के, जो कैटेगरी में हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाएंगे उनके लिए रिजर्व है। रिजर्व का मतलब होता है उतनी सीटें आपके लिए हैं, और जितने भी शेड्यूल कास्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपका जो कट ऑफ लिस्ट है आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही बनेगी। आपका मुकाबला केवल जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आपका मुकाबला है, जनरल से, डिफेंस से, शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी एनसीएल से नहीं। सिमिलरली 7.5% सीटें है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% सीटें हैं ओबीसी एनसीएल के लिए। एनसीएल ध्यान दीजिए, नॉन क्रीमी लेयर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा मन करता है कई बार मैं इसमें रिसर्च करूं और पता करूं कहां बनता है फॉर्म, क्या बनता है, लेकिन मैं इसमें मधुमक्खी के छत्ता टाइप है, उसमें मैं हाथ नहीं डालता। बहुत सारे और काम है, अगर हम यही करने लग जाएंगे तो हमारा बड़ा सारा समय और बाकी जानकारियां नहीं दे पाएंगे। अब जो बैलेंस बच गए 50.5%, 100 में से यहां पर निकल के 67 का आपने कर दिया एससी एसटी एंड ओबीसी एनसीएल, इन तीनों को काटने के बाद जो बच गया उसका 25% डिफेंस के लिए। और मेरे पास एक वीडियो है बहुत ही तगड़ा जिसमें बताया गया है कि इन सब कैटेगरीज का आपने कट ऑफ कैसे पता करना है। कट ऑफ जानना बहुत जरूरी। किसी स्टेट में, मान लीजिए हरियाणा की बात करते हैं, एससी का और कट ऑफ भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, चारों कट ऑफ अलग अलग हैं क्योंकि पिछले साल से ई काउंसलिंग शुरू हुई, तो उससे पहले जो कट ऑफ जाता था वो अलग है। लेकिन ई काउंसलिंग में क्या फायदा हुआ कि अभी आपने एक, मान लीजिए कुंजपुरा भरा है, लेकिन जब बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा तो जैसा 2023 के शुरू में हुआ था, आपको बोलेंगे वो 9 सैनिक स्कूल और भरिए। मान लीजिए आपके बच्चे क्या है 231 नंबर और कुंजपुरा का राउंड 1 का कट ऑफ गया 252, तो आपके बच्चे का 231 नंबर में कुंजपुरा में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आपने 9 चॉइस और भरे हैं, उनमें मान लीजिए आपने भर दिया रेवाड़ी, आपने भर दिया कजाकुट्टम या कड़ाकुट्टम या और कोई 9 चॉइस भरनी है, इसमें से जो चौथा स्कूल था मान लीजिए आपने भरा अमेठी, और अमेठी का राउंड 1 का कट ऑफ ही 230 पर आ गया आपकी कैटेगरी का, आपने अपनी कैटेगरी में है। यहां पर शेड्यूल कास्ट वाले में है तो अमेठी में भी जो आउटसाइड स्टेट, अदर स्टेट वाले में शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ गया 230, तो आपके बच्चे को वहां से कॉल आ जाएगा। अब आप कहोगे जी हमें अमेठी नहीं भेजना, बच्चा बहुत दूर पड़ता है, ये है वो है, जो भी रीजन हो, तो फिर आप यहां पर कर दोगे हमें यहां अमेठी नहीं जाना, अनविलिंग कर दोगे इसमें, इसको बोलोगे भाई हमें अमेठी नहीं जाना है। फिर राउंड 2 में आपका दोबारा से वो बोलेगा 10 सैनिक स्कूल भरिए, आपने फिर से कुंजपुरा भर दिया। इस बार जब राउंड 2 में कट ऑफ गया, क्योंकि कई बच्चे हैं 252 नंबर लाया, इसका मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया, कुंजपुरा
कोई आरएनसी में चला गया, कोई और चला गया, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे, और कोई कहेगा जी हमें यहाँ जाना ही नहीं। तो इसमें भी जब लोग अनविलिंग दे देंगे अपना, उसमें आउट कर देंगे, तो अगले बार में मान लीजिए कट ऑफ चला गया 235, अभी भी आपका बच्चा 231 पे अटका हुआ है, तो राउंड टू में भी नहीं हुआ, फिर राउंड थ्री में जाएगा। इस प्रकार राउंड फोर तक का आपने कट ऑफ देखना है। तो जब भी वो कट ऑफ लिस्ट वाला वीडियो आप मेरे से मांगेंगे, अब वो वीडियो कैसे लेंगे, एक स्क्रीन पर एक पट्टी बनी हुई है, उसमें एक नंबर आ रहा है, वो नंबर बहुत ही जादुई नंबर है, वो है 7417656633। आपने इस पर व्हाट्सएप करना है और अब मेरे से कट ऑफ का वीडियो ले लेना है। ये सब कट ऑफ का जो आपने एनालिसिस करना है, मैंने इसलिए बताया, ये एक्सप्लेन इसलिए किया है कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर आपने कुंजपुरा भरा, बच्चा 231 नंबर लाया, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में उसका नंबर नहीं आया वन से थ्री तक, लेकिन चौथे राउंड में फिर पांच वैकेंसी आ गई, फिर आपने भर दिया, क्योंकि एक मैडम थी हमारे साथ, उनके बच्चे ने क्रैश कोर्स किया और उनके बच्चे का डिफेंस कोटा में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में बच्चे के 241 नंबर थे और राउंड थ्री का कट ऑफ गया डिफेंस का 242। तो मैडम ने कहा कि मैं तो एक ही सीट है, मैं डाल देती हूँ। चौथे राउंड में उन्होंने पिछले जो भी सैनिक स्कूल मिला था उसको हटा दिया और घोड़ाखाल डाल दिया, उनका बच्चा घोड़ाखाल चला। तो इसलिए राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर का आपने पूरी कट ऑफ लिस्ट को स्टडी करना है। कैटेगरी वाइज स्टडी ये बना हुआ है कट ऑफ लिस्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन उसको समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक। तो ये मैंने बता दिया। अब जो अदर स्टेट का भी सेम है रिजर्वेशन, 33 सीटों में भी 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी, इसको जब 100 में से निकाल देंगे जो बचा उसका 25% डिफेंस और बाकी बची हुई सीटें जनरल कैटेगरी के लिए आती। इस वीडियो का भी जो दूसरा हिस्सा हम डिस्कस करने वाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। एक और ये बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट में, मैं पहले मुझे भी क्लियर नहीं था, लेकिन अदर स्टेट में भी एक घुंडी है, वो घुंडी क्या है वो भी जान लीजिए, ये क्लीन कर देते हैं। मान लीजिए इसने क्या है, एक जो अदर स्टेट में किसी एक स्टेट से 25% टोटल वैकेंसीज के बच्चे नहीं जाएंगे, मान लीजिए जनरल अदर स्टेट में 12 वैकेंसीज हैं, तो 12 का 25% हो गया 4। एक स्टेट से 4 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं कि हमारा तो 260 नंबर आए, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार का 260 वाला, उसका कुंजपुरा में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि कुंजपुरा में इसमें चार बच्चों के जो सिलेक्शन हुआ उसके थे 270, 269, 268 और 265, और 260 वाला नहीं हुआ। और दूसरी स्टेट है मान लीजिए कर्नाटक, इसका जो इसमें आया इनका कट ऑफ गया है 241, तो ये 260 वाला अदर स्टेट का रह गया, 241 वाले का हो गया, क्योंकि एक स्टेट के चार बच्चे जा चुके हैं। तो ये जब काउंसलिंग शुरू होगा, इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग, जो ई काउंसलिंग शुरू होगा, फिर आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी जब आप ये भरेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक स्टेट में चार से ज्यादा या एक मतलब 25% से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे और वो नहीं लेंगे। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब लड़कियों की सीट जो है वो 10% होती है ऑफ दी सीट्स या 10% मिनिमम है। अगर किसी स्कूल में लड़कों की संख्या वैकेंसीज 120 हैं तो कम से कम 12 वैकेंसीज लड़कियों की होंगी, लेकिन अगर किसी में लड़कों की संख्या 60 है तब भी 10 कम से कम सीटें लड़कियों की क्लास 6 में रिजर्व्ड है। क्लास 9 का थोड़ी कहानी और है, क्लास 9 का भी जब मैं सीटों के एनालिसिस बताता हूँ वीडियो के पार्ट 2 में, तब आप जानेंगे कि किस प्रकार से वैकेंसी और हमारे लिए जानने लायक बातें क्या है। पहले आप कट ऑफ देख लें, अपने बच्चे का देख लें कितने नंबर ला रहा है, वही स्कूल का चॉइस करें, चाहे आउटसाइड कैंडिडेट भी कर सकते हैं, चौथे राउंड का कट ऑफ तो कम से कम देख ही लो, तो तब आपको पता लगेगा कि थोड़ी मेहनत करेगा बच्चा और फिर बच्चे को कट ऑफ उसको भी दिखाओ शेर को और बोल भाई इतने नंबर लेके आना, तभी जाके तुम्हारे स्कूल में नाम लगे। और जो 10 स्कूल आपने चूज करने, अपने बच्चे को मध्य में रखें, यहां बच्चा ला रहा है 191 नंबर, तो जो 10 स्कूल जो आप चुनेंगे ऊपर 220 होना चाहिए और यहां पर 180 होना चाहिए, बस इसके बीच में जो कट ऑफ है आपकी कैटेगरी का, कोई भी 10 स्कूल चुन लीजिए, वो जब बाद में अलॉट होगा दिखी जाएगी।
अभी स्कूल की चॉइस करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि आपका बच्चा 290 नंबर ला रहा है 300 में से, तब तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा मेरी तरह है, वो 200 नंबर ही खींच खांच के ला रहा है मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर पेपर में, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है जब आप स्कूल की चॉइस करते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो के हिस्सा नंबर दो में, जिसमें हम देखेंगे कि वैकेंसी लिस्ट कहाँ है। मेरे पास लोग बता दें कि लड़कियों की वैकेंसी बताइए, क्लास 9 की वैकेंसी बताइए, इस स्टेट में है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको सारे जादुई तरीके अभी बताने वाला। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी देहरादून में स्थित है, और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस हिस्से में हम देखेंगे कि वैकेंसी कैसे पता करनी है। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NTA ने इशू किया है, जिसको आपने खोला ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मैं चाहूंगा आपने फॉर्म भर भी दिया, जमा भी कर दिया, गलती भी कर दी है, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार पढ़ें। अगर ये इस बार का क्या है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का केवल इंग्लिश में, पिछले साल वाला इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसमें खाली डेट्स का फर्क है, वैकेंसीज का फर्क है, लेकिन बाकी सारी भाषा हिंदी में भी है। तो यदि आपको हिंदी वाला चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मेरे से व्हाट्सएप करना है जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और ये रहा नंबर 7417656633, इस पर व्हाट्सएप करना, लिखो हिंदी बुलेटिन, हम हिंदी वाला भेज देंगे, मिला जुला के पढ़ेंगे। कई व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको समझ नहीं आता है, वो बेचारे फंस जाते, तो हिंदी वाला बुलेटिन पढ़ लीजिए, उसमें जो डेट है, जन्मतिथि वगैरह है, वो सब नए वाले में आप चेक कर लें, लेकिन हिंदी में सारी बहुत लंबी जानकारी इसमें सर, बहुत लंबी जानकारी है, वो लंबी जानकारी आप देख लो, तो ये बहुत पेजेस है इसमें, सब डेट वेट सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस वीडियो में ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, 3 नंबर पे, ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। लोग मुझसे कह रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अरे ये डॉक्यूमेंट्स लगे यार, लिखा हुआ है स्कैन इमेज पे, ये कल इसका नया वीडियो बनाएंगे दोबारा से, कैसे बनाना है, इसमें क्या पिक्युलरिटीज है उसके बारे में। तो इसके अंत में जब जाते हैं, मैंने 2 विंडोज खोली हुई है, ये वैकेंसी है जी, ये आप वैकेंसी देखें, मैं इसमें पेन तो मेरा निकला हुआ है बाहर, इसको यहां पर यूज करेंगे। अब वैकेंसी को समझने का तरीका क्या है, यहां देखिए, अभी मैंने बताया था होम स्टेट की वैकेंसी है बॉयज की, और यहां पर होम स्टेट की गर्ल्स की, ये अदर स्टेट गर्ल्स है और ये अदर स्टेट बॉयज है, तो बॉयज की वैकेंसी 2 इसमें, गर्ल्स की वैकेंसी 2 इसमें हिस्सों। अब देखने वाली चीज क्या है, अमरावती नगर में शेड्यूल कास्ट की 10 वैकेंसी हैं, शेड्यूल ट्राइब की 5 हैं, ओबीसी एनसीएल 19 हैं, 9 हैं, जनरल की 27 हैं, टोटल 70 हैं बॉयज की वैकेंसी होम स्टेट में, अदर स्टेट में 34 वैकेंसी, और इसी के मुकाबले आप गर्ल्स की देखोगे, होम स्टेट में 7 हैं, अदर स्टेट में 5 हैं, हर कैटेगरी में तकरीबन एक लड़की आती है, इसमें ओबीसी एनसीएल में 2 है, जनरल में 2 है। तो ये वैकेंसी लिस्ट इस प्रकार से आपने पढ़नी है। अपना सैनिक स्कूल जो चूज कर रहे हैं, तो अभी कुछ लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, ये ऐसी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है, तो आप केवल अदर स्टेट वाला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक और महान लिस्ट है, एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर क्या सैनिक स्कूल की रेटिंग है, ओल्ड सैनिक स्कूल है, अभी न्यू सैनिक स्कूल की बात नहीं कर, क्या आधार पर रेटिंग है वो आप रेटिंग मेरे से जान लीजिए, उसकी हमने पूरी लिस्ट बनाई, उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं मुझे किस स्कूल में भेजना है। पॉइंट नंबर 1, इसको हम कर देते हैं क्लीन और करते हैं आगे। तो ये जो आप देखिएगा, सारी इतनी डिटेल में तो कोई डॉक्यूमेंट मैंने देखा नहीं आज तक, ये बहुत ही बढ़िया बना, और यहां पर दिया हुआ इन्होंने ये पूरे 33 सैनिक स्कूल्स में क्लास 6 की वैकेंसी दी है। अब आते हैं जी क्लास 9th में, कई सैनिक स्कूल में वैकेंसी नहीं है, 0 है, 0, ये हमने पेन ले लिया, यहां देखिए टोटल ये 0 है, सैनिक स्कूल इस सिया में क्लास 9th की वैकेंसी नहीं है, सैनिक स्कूल चिंगचिप में 8 ही वैकेंसी हैं, यहां पर सैनिक स्कूल गोपालगंज में होम स्टेट की 0 है, आउटसाइड स्टेट की भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो आप देख लीजिए जो 0 है वो स्कूल आपने भरने नहीं चाहिए, वो आपकी स्टेट में। तो आप क्यों ऐसे काम करें, क्योंकि 9th में आप लोग कहेंगे सर 9th में क्यों वैकेंसी नहीं है, होता क्या है कुछ बच्चे 6ठी से 8वीं तक, कलर पेन का चेंज कर लेते हैं और क्लीन कर लेते हैं, तो 6 से लेकर 8 तक कुछ लोग स्कूल छोड़ देते हैं,
अब मान लीजिए अमरावती नगर में 74 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया था छठी में और 10 लोगों ने किन्हीं कारणों से छोड़ दिया, तो नाइन्थ में पहुंचते पहुंचते 10 वैकेंसी रह जाएंगी, ये नाइन्थ में ले लेते भाई, इतना ही है। नाइन्थ में वैसे कोई भी एडमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बच्चे 10 लोग छोड़ के चले गए पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, एकेडमिक कारणों से, डिसिप्लिन कारण से, चोट लगने के कारण कईयों का दिल नहीं लगता। कई लोग को एक बार स्कूल चल जाते हैं वहां का स्टैंडर्ड पसंद नहीं आया, वहां तंग रहते हैं, ठीक है, सीनियर भी तंग करेंगे, मिलिट्री रूटीन भी थोड़ा तंग करने वाला है, तो ये वैकेंसी इस प्रकार से क्रिएट हो जाते हैं। तो वो आपने यहाँ पर देखना है कि जी मेरे स्कूल में जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैकेंसियां हैं भी कि नहीं। इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है उसमें हम बताएंगे। अब जो है न्यू सैनिक स्कूल, ये भी एक हम अलग से वीडियो बनाने वाले, 60-40 फॉर्मूला क्या है मैं आपको तरतीब से बना के समझाऊंगा। आज दो वीडियो रिकॉर्ड होने वाले, एक ये मिल जाएगा आपको, एक दूसरा मिल जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वाला कल बना देंगे। कारण क्या है कि फॉर्म भरने की डेट 16 दिसंबर तक है, उसके बाद 18 से 20 दिसंबर तक करेक्शन विंडो आएगा, तो आपके पास काफी समय। और अगर आपने फॉर्म भर भी दिया, पैसे जमा कर दिया, आपको लगता है कि भाई मैंने तो हाय तौबा मच गई है, तो उस फॉर्म को डिलीट करके कैंसिल करके नया भी भरा जा सकता है, उसका भी हम आपको तरीका सुझाएंगे। अभी के लिए धीरे धीरे करके चले, मैंने कहा था दिवाली से पहले फॉर्म नहीं भरना, पर कई लोगों ने कहा नहीं आज ही लक्ष्मी माता का दिन है हम आज ही भरेंगे, भर दिया, उसका गलती कर दी। तो वहां थोड़ा सा आपकी भी जो काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके में थोड़ा सा अलग है। अब जो नए सैनिक स्कूल हैं वो SC ST OBC कई मानने के लिए बाध्य नहीं है, वहां पर सारी वैकेंसी जो है ओपन कैटेगरी में भी आ सकती है। और जैसे यहां लिखा है अडानी वर्ल्ड स्कूल आंध्र प्रदेश में है जी, इसमें जेंडर न्यूट्रल है, 80 बच्चे ले लें हम, लड़कियां कितनी हैं लड़के कितने हैं, 80 ले लेंगे पहले, उसमें जेंडर न्यूट्रल लिख दिए। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग पब्लिक स्कूल है, ये अभी नया नया खुला है, तो उन्होंने कहा भाई हम तो लड़के भी बीच देंगे लड़कियां भी बीच देंगे। वही बिहार का केशव सरस्वती विद्या मंदिर है, 180 वैकेंसी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 20 वैकेंसी है। वैकेंसी इसलिए है कि जो रेसिडेंशियल स्कूल है क्लास की कैपेसिटी देखनी होती है उन्होंने, और हॉस्टल की कैपेसिटी देखनी होती है, कितने बच्चों को हॉस्टल में रखा जा सकता है। सिमिलरली सारी वैकेंसी दी हैं। तो आपने जब अभी इसमें न्यू सैनिक स्कूल का कुछ चूज नहीं करना, लेकिन आप जब चॉइस करते हैं तो आपने SS+NSS 40% कर देना है, उसका कारण अगले वीडियो में बताया जाएगा कि ये वैकेंसीज आपने इस प्रकार से कर लेनी है। इसमें इतना ही करते, इसके बाद डेटा एनालिसिस करके बताता हूं कितनी वैकेंसी है, क्या आपके सोचने लायक चीज है, बच्चे का कट ऑफ कितना जाना चाहिए, मेरिट में कितना आना चाहिए, और पिछले साल कितने लोग मेरिट में आए, कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, ये सब कहानी भी आपको सुनाऊंगा वीडियो के तीसरे हिस्से। दोस्तों मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी देहरादून में स्थित है, और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो देवी और सज्जनों, भाइयों बहनों, हम पहुंच चुके हैं वीडियो के तीसरे हिस्से में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल की टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर 2024-25। टेंटेटिव है, टेंटेटिव मतलब इसमें 10-12-15 का अंतर हो सकता है, कहीं कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी सीटें अवेलेबल है, तो कैसे हैं वो जरा देखते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए वो हैं हमारी 2970। अगर आप पूरा डेटा इकट्ठा चाहते हैं तो ये है 2970 वैकेंसी। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्लास वाइज कैसे है, वो भी सब देखते हैं जी। चलिए ये आ गया। अब आप देखेंगे जब हम शेड्यूल कास्ट वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, रेड कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं, SC कैटेगरी में 247 जो है टोटल होम स्टेट में कितनी है वैकेंसीज, और आउटसाइड स्टेट में 121 ही हैं, तो टोटल 368 वैकेंसीज हैं। हमने कितना लिखा था 2970 है टोटल वैकेंसीज। शेड्यूल ट्राइब में टोटल 161 वैकेंसीज हैं। ओबीसी एनसीएल में 694 वैकेंसी, पूरे 33 सैनिक स्कूल में, जो देश के 33 सैनिक स्कूल हैं कुल मिला के वैकेंसी है, टोटल 3000 के करीब बच्चे ले रहे हैं। 335 वैकेंसी हैं टोटल डिफेंस में, और 1070 वैकेंसी हैं जनरल कैटेगरी में। कई बार जनरल कैटेगरी वाला होता है हमारे लिए सीटें नहीं है, लेकिन अगर आप ये डेटा देखेंगे
सबसे ज्यादा सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अब कई लोगों का लास्ट टाइम जब हमने ये पूरा स्टडी किया, कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर ओबीसी एनसीएल डिफेंस और जनरल कैटेगरी का कोटा लगभग सेम है, कट ऑफ लगभग सेम है। एससी एसटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, 20 से 25 नंबर का भी कई स्टेट्स में डिफरेंस, कई स्टेट में वो कम है, लेकिन सर्टेनली इन तीनों का अगर आप कट ऑफ लिस्ट चेक करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कट ऑफ लिस्ट को जानना समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी जब भी आप एक सैनिक स्कूल का चॉइस भरना भर दीजिए, लेकिन जब आप ई काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे वो कट ऑफ लिस्ट को देखना, आपके बच्चे के कितने नंबर आए हैं वो जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेंड चलता है। और उससे पिछले सालों वाली कट ऑफ लिस्ट मान्य नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेंड पूरा बदली हो गया है ई काउंसलिंग का। सैनिक स्कूल में क्लास सिक्स में जो लड़कियों की वैकेंसी है वो है टोटल 342, 342, और इसमें एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डिफेंस एंड जनरल ये है। आप देखेंगे सब में बराबर है, क्योंकि हर कैटेगरी में एक या मैक्सिमम दो सीट्स हैं, और अगर दो सीट हैं खाली में वो जनरल कैटेगरी में दी गई, इसलिए जनरल कैटेगरी की 80 है, बाकी 66, 69, 63, 64 सब बराबर हैं तकरीबन। तो लड़कियों का कट ऑफ नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हर स्कूल में हर कैटेगरी में लड़की के लिए एक ही वैकेंसी, होम स्टेट भी और आउटसाइड स्टेट भी। मान लीजिए जैसा हमने कहा था एक स्कूल में 10 वैकेंसीज हैं, तो इसमें 5 होम स्टेट की हैं, 5 आउटसाइड स्टेट की, यहां पर 67:33 नहीं चलता है, यहां बराबर बराबर। और हर कैटेगरी में, क्योंकि 5 कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी डिफेंस और जनरल, हर एक में एक एक सीट आती है। आपने लड़की अगर है क्लास सिक्स के लिए अप्लाई कर रही है तो बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं, हर कैटेगरी में एक ही सीट है, जो टॉपर होगी वही जाएगी, तो उसमें कट ऑफ का ज्यादा नहीं है। तो आप जो अप्लाई वहां करना है जहां के नंबर आपकी लड़की अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी अपने तैयारी कर रही है उसके अंदर लेके आ रही है। आगे चलते हैं। अब क्लास नाइन्थ की टोटल वैकेंसीज कम है, ये ध्यान देना है आपने, क्लास नाइन्थ में थोड़ी मारा मारी ज्यादा है। पूरे देश में टोटल 269 बच्चों को ही लिया जाएगा, और उसमें भी होम स्टेट एंड आपकी जो कैटेगरी है उसको देख के। ये क्लीन हो गया, आगे से ये देख ले, एससी का है 38, एसटी का 14 है, ये 62 है, 48 है और 84 है। अब यहां पर कई जगह पर ओबीसी का कट ऑफ कई स्टेट में जनरल से भी ज्यादा है। ओबीसी एनसीएल वाले ने यहां सोचना है, और कोई लाभ नहीं मिल रहा है आपको, कोई फाइनेंशियल लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपका कट ऑफ जनरल के बराबर है तो क्या आप जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, ये चॉइस आपकी है। और वैसे भी सैनिक स्कूल में लिखा है कि अगर कट ऑफ 240 है और आपका बेटे के 242 आ रहे हैं, अपने ही ओबीसी एनसीएल था लेकिन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया, तो ये वैकेंसी 242 वाली जनरल में गिन ली जाएगी और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये काफी टेक्निकल इशू है, समझने में मुझे ही 2.5 साल लगे, और अगर आप सोचेंगे आधे घंटे का वीडियो देख के आप समझ जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है, बारी बारी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके समझ आएगा। अब आता जी लड़कियों की, क्लास नाइन्थ में टोटल पहले मैंने जो लगा था 6 वैकेंसी, लेकिन 6 नहीं है, ये है रिवेलेशन। पूरे देश में क्लास नाइन्थ में 23 सीटें खाली हैं गर्ल्स के लिए, मतलब 10% लड़कियां छोड़ के भाग गई हैं, वो सैनिक स्कूल में उन्होंने कंटिन्यू किया, ज्वाइन ही नहीं। और इसमें भी एससी में 5 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 3 और जनरल में 7। तो आप देखिए थोड़ी हाई तौबा वाली स्थिति है, तो ये करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कमर्शियल बात कर लेते हैं। हमारा जो 6 का नया बैच शुरू होगा 1 दिसंबर से शुरू होगा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आरएमएस के पेपर्स हैं, आरएमएस के मॉक टेस्ट हैं, सब अगले 1-2 दिन में सब अपलोड हो जाएंगे। कीमत है डाउनलोडेबल उसकी 99 रुपीज से शुरू है, 99 रुपीज खर्च करें, सॉल्यूशन के साथ पेपर पाएं, अपने बच्चे को तंग करें, उनको पेपर वेपर कराएं, नहीं भी करेंगे कोई चिंता नहीं, काफी सारा कंटेंट फ्री है, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, एक हमारा वीडियो कोर्सेस कैसे एप्लीकेशन में अपलोडेड है उसका वीडियो है, वो वीडियो देख लें, तब जाके करिए, बहुत कम पैसा खर्च करना है और आपके बच्चे को बिल्कुल क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा हमारी गारंटी के साथ। ये कंटेंट बिल्कुल 3-4 सेट ऑफ टीचर्स ने तैयार किया। अब ये कहता है हमें फ्री में दे दो, एक पूरी टीम काम कर रही है,
और 99 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 5 पेपर विद सॉल्यूशन को पाने के लिए। तो मैं चाहूँगा इस प्रकार से आप भी हमें सपोर्ट करें और अपने बच्चे को व्यवस्थित तौर पर तैयारी करें। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे मोबाइल ऐप पर कोर्स खरीद लिए और पैसा बचाने के लिए उन्होंने 449 रुपीज का कोर्स खरीदा है। बच्चा भी तीसरी में, बच्चा पांचवी में होता, आखिरी अटेम्प्ट है, मैं कहता 449 में मोबाइल पे कोर्स करो जाने। लेकिन जो बड़ा 3 साल वाला कोर्स है 2049 में है, लेकिन 2049 में सारा है, अगले 3 साल के अपग्रेड है। अभी हमारे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, वीडियो कोर्स आएगा, बुक्स आएंगी, सब इसमें फ्री में अपलोड होगा। इसके लिए आपको और खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए 2023 में आपने कोर्स खरीदा और 2025 में आपका बच्चा हमारे पास कोर्स करने आया, तो ये 2049 जो भी अमाउंट गया है उसकी फीस में से माइनस कर दिया जाएगा। आपको ये पूरा 2049 पैसा फ्री में पड़ेगा, ये पूरा कोर्स 3 साल के लिए हमारे एसोसिएशन। जब भी आप सोचते हैं, आपने ऐसे सोचना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म। अगर आपके बच्चे ने इस साल एग्जाम देना है तब भी मैं चाहूंगा ये कोर्स लें, कारण इसमें सारा कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो वाले लिंक्स को छोड़ के जितना पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते। तो इससे अच्छा और सुंदर इलाज मुझे नहीं लगता, इतना बढ़िया तरीके का कोई और आपको देगा। और इसमें लाभ क्या है, अभी जैसे January 1st से हमारा नया कोर्स शुरू हो जाएगा, उसमें जितने हम टेस्ट लेंगे सब इसमें हम डालते रहेंगे, इस वाले में अपग्रेड नहीं करेंगे। इसमें जो डाल दिया, एक बार डाल दिया, 6 महीने बाद कंटेंट चेंज करेंगे, उतना ही हो। और इसकी एक्सेस ही 3 महीने की है, अभी हमने 2 महीने एक्स्ट्रा दिया तो 5 महीने की है, ये 3 साल की है। अगर आप 2049 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 70 या 80 रुपए में, उससे भी कम आती है, मेरे ख्याल 50-60-55 रुपए ही आएगा प्रति माह में आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी का। मुझे आप इससे सस्ती सुंदर बढ़िया सॉल्यूशन बताइए तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। तो फ्री वाले हैं, यूट्यूब पे मेरा सारा कोर्स फ्री है, लेकिन फ्री में आप वीडियो को लाइन में लगाते ही में सारा टाइम निकल जाए। यहाँ पर सारा कोर्स बना बनाया, टेस्ट पेपर हैं, हमारे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, सब कुछ मिलेगा। और वो बाद में फीस में एडजस्ट हो जाएगा अगर आप कोर्स लेते हैं, नहीं लेते तो फिर 2049 ही खर्च किया आपने, 55 रुपया प्रति माह अपने बच्चे पर आप खर्च करें। ये उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे अभी 3rd, 4th, 5th में पढ़ रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th में पढ़ रहे हैं, पक्का इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। अब आप कहोगे अरे कर्नल अमरदीप ये तो आपने पहले बताया नहीं, मैंने तो ये कोर्स ले लिया 449 का। तो अगर आपने ले लिया और आप इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, आपने हमसे संपर्क करना है। संपर्क के लिए जादुई नंबर मैंने बताया है, वो स्क्रीन पर भी आ रहा है, और 7417656633 इस पर व्हाट्सएप करना है। हम 449 का आपको वाउचर इशू कर देंगे, आपने इसका और 2049 का जो डिफरेंस है वो पे करना है और आपका कोर्स हम नया वाला आपको इशू कर देंगे। ये करना, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे जल्दी नहीं करें, सारा डेटा इकट्ठा कर लें। मैंने फॉर्म भरने का जो डिटेल्ड वीडियो बनाया है, फॉर्म भरने में अपने आप को 4 या 5 दिन का समय दें, सब कुछ व्यवस्थित तौर पर देख लें, नोटिफिकेशन फिर से पढ़ लें, वैकेंसी स्टडी कर लें, सब कुछ कर, और तब जाके आपने फॉर्म भरना है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज गेट इन टच विद अस ऑन दिस नंबर। अगर आपको और कोई भी डाउट आता है फॉर्म के बारे में, ये नहीं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप जब सवाल पूछते हैं तो हमें वो झकझोरते हैं और हम उन सवालों के उत्तरों की खोज में निकल पड़ते हैं, और फिर हमें जब उत्तर मिल जाते हैं तो इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। हम डेटा एनालिसिस या अपना जुआड़े हम खुद करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा फ्री टाइम है लाइफ में, तो इस प्रकार से आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है कि मैं किससे लड़ाई करूं। अब मैंने एक बात कही थी वो बतानी भूल गया, क्लास 6 की बात करेंगे। कई लोग मेरे से नाराज हैं कि क्लास 9 की आप बात नहीं करते। क्लास 6 में पिछले साल 1.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 75,000 लोगों ने एग्जाम को पास किया, क्योंकि 300 में से 120 ही नंबर लाने हैं। ये भी ST ST के लिए 120 भी नहीं लाने, आप 70 नंबर लाके पास, तो 120 नंबर तो सारे ले आएंगे। अब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में निकल गया, नंबर कितने हैं? 121। खुद समझिए यार, 75,000 बच्चों के 121 नंबर आए हुए, तो मेरिट कहां से कहां तक जा रही है? मेरिट जो जिस लड़की ने या लड़के ने सबसे ज्यादा नंबर लिए 300 में से 292, इतने तो मैं नहीं कह रहा लेके आओ, लेकिन अपने जो नौनिहाल हैं उनको बोलो भाई 250 का तो टारगेट करो। ओबीसी एनसीएल डिफेंस और जनरल कैटेगरी के यदि हैं तो 230 नंबर से अगर आपका बच्चे के कम है तो आपका 1, 2, 3, 4 राउंड में कहीं नंबर नहीं आए, 240 पे 235 पे कट ऑफ खत्म हो जाता।
एससी एसटी का स्टेट वाइज है, आप देखेंगे इन दोनों का कैटेगरीज का, इनका थोड़ा कहानी अलग, तो आप जाके पक्का देखिए। इसीलिए मैंने कहा वो कट ऑफ लिस्ट पक्का देखना अपनी कैटेगरी का, तभी आपका बच्चे का पता लग जाएगा कितने जा। और वैकेंसी कितनी है, 2970 वैकेंसी है क्लास सिक्स में। तो 75,000 बच्चों में 72,000 बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे एग्जाम पास करने के बाद भी, तो इससे कोई लाइफ का अंत थोड़ी होगी। आपका बच्चा अपने आप एग्जाम देके नंबर ला रहा है, आगे जाके कहीं ना कहीं भविष्य में वो अपना भविष्य बिल्कुल सीधा कर लेगा, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लेगा। क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में देहरादून में कई ग्रेजुएट आते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, आंख नहीं मिला पाते, तो कम से कम ये बच्चे जो इतने नंबर ला के पास हुए, जो नहीं भी पास हुए बहुत अच्छे, लड़ाई तो लड़ी, एग्जाम तो दिया उन्होंने। तो अपने बच्चे को एग्जाम देने के लिए एनकरेज करें, पास करने में फेल करने में उससे कोई ज्यादा लाइफ चेंजिंग नहीं है। सैनिक स्कूल जाके ऐसे कोई वो सोने का घोड़ा नहीं बनने वाला, लेकिन ये एटीट्यूड देना और एक टारगेट सेट करना अपनी लाइफ में अच्छा है। तो अगर 100-200 नंबर से कम है आपके किसी भी, तो आप कहीं पर भी किसी भी राउंड में एडमिशन की आशा ना रखें। मुझे दुख होता है, एक मैडम का फोन आया, 146 नंबर लाया बच्चे, सर कोई है चांस निकल जाएगा? आई सेड सॉरी, नहीं निकलेगा। ये है स्टैटिस्टिक्स और ये है नंबर ऑफ सीट्स, ये जानना जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। कमेंट लिखें, लाइक तो कर ही दो, उन्हीं के साथ शेयर करना है जिनके बच्चे अगले 1-2 साल में सैनिक स्कूल जाने वाले, इस साल एग्जाम देने वाले, तब तो फायदा है। बाकी मैं सबको नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो हमारा चैनल और हमारे लाइक करो, ये करो, कुछ नहीं। आपको अच्छा लगता है पक्का लिखें। काम की बात यह है कि अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, वो पक्का लिखें। हमें थोड़ा समय लगता है, 1-2 दिन लगेंगे, वो पूरा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, पर हम पक्का, ये भी एक देश सेवा के रूप में मैं काम करता हूं कि भाई पेरेंट्स को अच्छी व्यवस्थित तौर पर जानकारी एक जगह पर मिले। तो मैं आपको तो कहना शुरू कर दिया कि सैनिक स्कूल, आरएमसी, मिलिट्री स्कूल और थोड़े दिन में नवोदय विद्यालय की जो जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, वो शायद ही किसी और के पास मिले। कई और चैनल हैं, वो ये वीडियो देख के अपने वीडियो बनाते हैं, कोई मेरे को उनसे रंजिश नहीं है, बहुत अच्छा यंग लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, कई पुराने इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हम भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भगवान ने हमें ऐसे ही पूरा तैयार करके, लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है अपना, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पेरेंट्स तक अपनी बात एकदम सही तरीके से साफ शब्दों में पहुंचा पाते। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।